तो आज की वीडियो में देखने वाले आप लोग रेटिकुलोसाइट काउंट कैसे हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। जैसे ये रेड सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं, ये आरबीसी, ये रेटिक काउंट होता है। इसके पहले भी चैनल पर वीडियो है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसको हम रेटिक काउंट बोलते हैं, जो रेड सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं, यानी कि आरबीसी के ऊपर। ये रेटिक काउंट क्या होता है, या एक तरह का इमेच्योर सेल्स होता है, यानी कि जो आरबीसी होता है जो टाइम से पहले ही बोन मैरो से प्रोड्यूस हो जाता है। और इसको कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब लंबे टाइम तक किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लो बना रहता है, यानी कि मेडिसिन चालू होने के बाद भी हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है, कम ही रहता है, उस कंडीशन में डॉक्टर ये टेस्ट करने के लिए रिकमेंड करता है। जो कि आप देख सकते हैं आरबीसी में पर्पल कलर का, जो बीच बीच में जो ये डॉट डॉट देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्कल रेड सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं, इस तरह के आरबीसी अगर दिखता है तो उसको हम रेटिकॉन बोलते हैं। और इसको स्टेन करने के लिए हम सुप्रावाइटल जो स्टेन होता है, यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट करके एक स्टेन आता है, उसको स्टेन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर भी चैनल के ऊपर वीडियो है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर भी चैनल के ऊपर वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर एक बार जाकर देख लेना। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह टेस्ट उस कंडीशन में करना पड़ता है जब किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन अगर हमेशा लो बना रहता है मेडिसिन चालू होने के बाद भी, तो डॉक्टर ये जांच करने के लिए पता करता है कि शायद आपके बोन मरो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके वजह से इमेच्योर सेल प्रोड्यूस हो रहा है आपके बोन मैरो से। तो अगर इसका रेंज अगर हाई होता है तो मतलब ये होता है कि आपको बोन मैरो में जो आरबीसी है वो मैच्योर नहीं बन रहा और टाइम से पहले ही बोन मैरो प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो जैसे इस पेशेंट में आपको दिख रहा है, जो मैंने काउंट किया था रिपोर्टिंग में मैंने किया, वो 3.7% किया है। रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर चैनल के ऊपर वीडियो है, आप जाकर वहाँ पर आराम से देख सकते हो, वो पूरा पता करके आप खुद रिपोर्टिंग करना जान सकते हो। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके बताना, मैं वो वीडियो आपको फिर से एक बार और अपलोड कर दूंगा कि इसके कैलकुलेशन फार्मूला क्या होता है। लेकिन इस बार ये हमेशा याद रखना कि रेटिक काउंट अगर कभी आए तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में और क्यों डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको रेटिकुलोसाइट काउंट करना चाहिए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना।